हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टूर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज हम लोग देखेंगे रैंकर सीरीज 7, जिसमें आपके लिए यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस लाए गए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके सारे एमसीक्यूज यहाँ पे कराए जाएंगे। और दोस्तों, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूँ कि जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे 7वीं सीरीज है रैंकर सीरीज। हमारे इस रैंकर सीरीज का मोटो है दोस्तों कि इस बार हम लोग 300 से भी ज़्यादा नंबर यहाँ पर लाएंगे। जैसे पिछली बार बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ क्वालिफाई हुए हैं, इवन आज मेरी जो उनसे बात हुई है तो बहुत से लोग को नाइपर मोहाली और नाइपर गुवाहाटी, आईसीटी मुंबई में भी कुछ लोगों को एडमिशन मिला है, तो वो सब लोगों ने मुझे बताया है। तो ये बहुत अच्छा सफ़र रहा है उनके लिए, जिसमें हम लोगों के पास बहुत ही कम समय था। लेकिन इस बार हम लोग पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, समय भी हमारे पास ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये रैंकर सीरीज़ धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पे कभी 30 क्वेश्चंस डाले जाते हैं, कभी 15, कभी 100। वो डिपेंड करता है कि आपका जो चैप्टर है या आपका जो इम्पोर्टेंस है सब्जेक्ट का, वो किस तरह का है। तो आपको इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, हम लोग बहुत ही स्लोली स्मूथली यहाँ पर चलेंगे, सारा सिलेबस कवर करेंगे। और दोस्तों, मैं ये भी बता दूँ कि जल्दी आपका संडे तक में एक वेबसाइट तैयार हो रही है हमारी, जहाँ पर आपको जितने भी एमसीक्यूज वगैरह हैं, टेस्ट वगैरह हैं, वहाँ अपलोड होंगे। साथ ही साथ जिस बच्चों को जैसे सब्जेक्ट वगैरह में दिक्कत आती है कि उन्हें थ्योरेटिकल पार्ट भी चाहिए, तो वो सारे चैप्टर्स वहाँ पे मेंशन होंगे कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, और उस वीडियो को आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये संडे तक आपको ये वेबसाइट हमारी आपको मतलब कि फंक्शनल हो जाएगी, तब हम आपको उसको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो ये जितने भी आपके रैंकर सीरीज़ हैं, रैंकर 6 तक हो गई हैं, वो सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे देख लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। और बहुत से बच्चे जैसे घबरा रहे हैं कि उन्हें कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है, दोस्तों बिल्कुल नहीं करनी है। आप बिल्कुल भेड़ चाल मत चलिएगा कि अगर दूसरे लोग कोचिंग कर रहे हैं तो आपको भी करना है, क्योंकि अभी जो पिछला बैच भी गया है उसमें भी कोई कोचिंग नहीं कर रहा था और मैक्सिमम कैंडिडेट्स वहाँ पर क्वालिफाई हैं। तो इस एग्ज़ाम को आप हवा ना बनाइए, बहुत आसान है एग्ज़ामिनेशन। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी रहे हो और आप वहाँ पे केवल अपना सब्जेक्ट स्मूथली पढ़ते गए हो, तो उनको बस रिवीजन करने का समय आ गया है। साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। तो आपको गाइडेंस में यहाँ पे कुछ भी लैक नहीं होगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊँ तो ये दो एग्जामिनेशन 2 बार मैं क्वालिफाइड हूँ, तो जो गाइडेंस मिल रहा है वो भी आपको सही मिलेगा, उसके लिए भी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो चलिए, आज का अपना रैंकर सीरीज़ यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पैस्चियर स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब कि जो पैस्चियर के जो स्टेटमेंट था, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो उनके अनुसार जो कहा गया था उसमें से सही बैठता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिम्स डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स, फर्मेंटेशन इज अ एरोबिक प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिम्स डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे आपको 10 सेकंड मिलते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर राइट आंसर अपने अनुसार चेक करना है, फिर हम उसका राइट आंसर आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू पैस्चियर स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स, फर्मेंटेशन इज अ एरोबिक प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स, या बोथ ए एंड बी। And the right answer is A. Living organisms discriminate between stereoisomers. Question number 2. I found floating therein earthly particles, some green streaks, spirally wound, serpent-wise and orderly arranged. The whole circumstance of each of these streaks was about the thickness of a hair on one's head. तो ये किसके वर्ड हैं? Leeuwenhoek के, A. Jenner, Pasteur या Koch? ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, वो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसका था, लीवेनहॉयक का, जेनर का, पेस्चियर का या कोच का, किस साइंटिस्ट ने ये वर्ड बोले थे। और राइट आंसर है दोस्तों कि ये वर्ड बोले गए थे आपके लीवेनहॉयक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल इन प्लांट्स एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज,
द प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल इन प्लांट्स एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, पोरफायरिन या रोडेप्सिन। आपको बताना है कि जो मेन चीज होता है लाइट ट्रैपिंग का पिगमेंट का मॉलिक्यूल्स इन प्लांट्स एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में वो क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, पोरफायरिन होता है या रोडेप्सिन होता है। एंड द राइट आंसर इज क्लोरोफिल ए। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग बायो जियोकेमिकल साइकिल सम अमाउंट ऑफ एलिमेंटल कार्बन वॉज यूटिलाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिसिमिलेशन, इमोबिलाइजेशन, डिकम्पोजिशन या न्यूट्रलाइजेशन। आपको बताना है ड्यूरिंग बायो जियोकेमिकल साइकिल सम अमाउंट ऑफ एलिमेंटल कार्बन वॉज यूटिलाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिसिमिलेशन, इमोबिलाइजेशन, डिकम्पोजिशन या न्यूट्रलाइजेशन। एंड द राइट आंसर इज इमोबिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ओपन ट्यूब्स ऑफ ब्रोथ रिमेन फ्री ऑफ बैक्टीरिया व्हेन एयर वॉज फ्री ऑफ डस्ट। एप स्प्लैंजनी, जॉन टिंडल, फ्रांसिस्को रेड्डी और पैश्चियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जॉन टिंडल। क्वेश्चन नंबर 6, रिवर्स इजोलेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट विद ट्यूबरक्यूलोसिस, अ पेशेंट हु हैज हैड माइनर सर्जरी, अ पेशेंट विद ग्लोकामा, अ पेशेंट विद ल्यूकीमिया। आपको बताना है कि जो रिवर्स इजोलेशन होता है वे किस कंडीशन के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, अ पेशेंट विद ट्यूबरक्यूलोसिस, अ पेशेंट हु हैज हैड माइनर सर्जरी, अ पेशेंट विद ग्लूकोमा, अ पेशेंट विद ल्यूकीमिया। एंड द राइट आंसर इज अ पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस। तो जिस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उसके लिए रिवर्स इजोलेशन यूज करना सही रहेगा। द सिम्टोम जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस एंड डिस्कम्फर्ट इज कॉल्ड। तो जो सिम्टम होता है कि जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस है या डिस्कम्फर्ट है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिटाइटिस, मेलाइस, एनाफिलैक्टिक शॉक या आर्थराइटिस। The symptom, general feeling of illness and discomfort is called cystitis, malaise, anaphylactic shock or arthritis. And this is called malaise. Question number 8, on soya bean which one of the following forms symbiotism, azotobacter paspalli, rhizobium, nostoc or bradyl rhizobium. On soya bean which of the following forms symbiotism, azotobacter paspalli, rhizobium, nostoc or bradyl rhizomia.
एजिटोबैक्टर पेस्पली राइजोबियम नॉस्टॉक ब्रेडी राइजोबियम। एंड द राइट आंसर इज ब्रेडी राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 9, हु प्रोवाइड द एविडेंस दैट बैक्टीरियोफेज न्यूक्लियाई एसिड बट नॉट प्रोटीन इंटर्स द होस्ट सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो आपको बताना है कि किसने एविडेंस वहाँ पे दिया था कि बैक्टीरियोफेज न्यूक्लिक एसिड बट नॉट प्रोटीन इंटर्स द होस्ट सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन, कि बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लिक एसिड इंटर करता है ना कि प्रोटीन इंटर करता है होस्ट सेल में ड्यूरिंग इन्फेक्शन। एल्फ्रेड डी हर्शी एंड लिनोल्ड टैटियम इन 1951, एल्फ्रेड डी हर्शी एंड जिंडर लेडरबर्ग इन 1951, एल्फ्रेड डी हर्शी एंड मार्था चेज इन 1952, एल्फ्रेड डी हर्शी एंड मैक्लियोड इन 1952। एंड द राइट आंसर इज एल्फ्रेड डी हर्शी एंड मार्था चेज इन 1952। क्वेश्चन नंबर 10, स्पिरुलिना बिलोंग्स टू ज़ाइंथोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। तो आपको बताना है कि स्पिरुलिना किसको बिलोंग करता है। तो आपको यहाँ पे क्लास बतानी है, ज़ाइंथोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। द राइट आंसर इज स्पिरुलिना बिलोंग्स टू साइनोफाइसी। द फर्स्ट एंटीबॉडी टू कॉन्टैक्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गनिज वॉज IgG मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgM, IgA और IgD। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट एंटीबॉडी टू कॉन्टैक्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गनिज, तो जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गनिज होता है तो सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी वहाँ पर लड़ाई करता है, IgG, GMA और D, इम्यूनोग्लोबुलिन GMA और D। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया है तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। एंड द राइट आंसर इज IgM। क्वेश्चन नंबर 12, द लाइट इमिटेड बाय ल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया इज मिटिएटेड बाय द एंजाइम को एंजाइम क्यू लिसिफरेस लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज कार्बोक्सिलेज रिडक्टेज। The light emitted by luminescent bacteria is mediated by the enzyme coenzyme Q luciferase lactose dehydrogenase carboxylase reductase. And the right answer is lactose dehydrogenase. क्वेश्चन नंबर 13, पिक आउट द वेक्टर यूजिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पिक आउट द वेक्टर यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फैजमिड वेक्टर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, कॉस्मिड वेक्टर्स, ईस्ट इपिजोमल प्लाज्मिड्स। तो आपको बताना है वेक्टर जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज होता है, फैजमिड वेक्टर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, कॉस्मिड वेक्टर्स या ईस्ट इपिजोमल प्लाज्मिड्स। द राइट आंसर इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। सॉल्ट एंड शुगर प्रिजर्व फूड्स बिकॉज दे मेक देम एसिड प्रोड्यूस अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, डिप्लीट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो आपको बताना है कि जो सॉल्ट और शुगर होता है वो फूड को कैसे प्रिजर्व रखता है, उनको एसिड बना देता है या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है या न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट खत्म कर देता है या वहाँ पे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बनाता है।
द राइट आंसर इज दे प्रोड्यूस अ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट इन अ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज मेड ऑफ। तो आपको बताना है कि जो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप होता है तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस उसमें जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ग्लास, क्वार्टज, पॉलीथीन या नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज पॉलीथीन। फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज बाय मीन्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट लाइट और ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लाइटनिंग है, अल्ट्रावायलेट लाइट या ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज द मोस्ट सीरियस थ्रेट इन अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट। तो आपको बताना है कि इसमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं फंगाई के, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सीरियस थ्रेट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट के समय, कैंडिडा एल्बिकन्स, एस्परजिलस, ब्लास्टोमाइसिस या क्रिप्टोकॉकस। एंड द राइट आंसर इज एस्परजिलस। क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट कैन बी डन विद द एड ऑफ न्यूबर्ग चैम्बर, एनारोबिक चैम्बर, मिनरल ऑयल या ऑलिव ऑयल। आपको बताना है कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट कैन बी डन विद द एड ऑफ न्यूबर्ग चैम्बर, एनारोबिक चैम्बर, मिनरल ऑयल या ऑलिव ऑयल। The right answer is Newberg chamber. Question number 19. The image obtained in a compound microscope is real, virtual, real inverted or virtual inverted. The image obtained in a compound microscope is real, virtual, real inverted, virtual inverted. And the right answer is virtual. क्वेश्चन नंबर 20, इंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आपको बताना है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए कौन सा इंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, कीटोलेज, जाइमेज, परोक्सीडेज या ऑक्सीडेज। कीटोलेज, जाइमेज, परोक्सीडेज या ऑक्सीडेज। दोस्तों ये सब बहुत ही सिंपल लगेंगे, लेकिन यही सिंपल क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम इन सब सिंपल क्वेश्चंस का वहाँ पे रिवीजन करके नहीं जाते हैं। इंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस सेक्सुअली, कोनाइडिया, स्पोरंजिया स्पोर्स, एस्को स्पोर्स या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कौन सा स्पोर आपका सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, कोनाइडिया, स्पोरंजिया स्पोर्स, एस्को स्पोर्स या इसमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज एस्को स्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 22, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो आपको बताना है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था, ईडरबर्ग एंड टॉटम, बीडल एंड टैटम, ग्रिफिथ या नन ऑफ दिस।
तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया ये आपको बताना है, और इसका राइट आंसर है ईडरबर्ग एंड टेटम। क्वेश्चन नंबर 23, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज। लुईस पेस्टियर, लिस्टर, एवी लीवेनहॉक और रॉबर्ट कोच। तो दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। इसका राइट आंसर है एवी लीवेनहॉक। द एंटीसेप्टिक मेथड वॉज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। तो आपको बताना है कि एंटीसेप्टिक मेथड सबसे पहले किसने डिमॉन्स्ट्रेट या दिखाया था, लेवनस्की, लॉर्ड लिस्टर, एडवर्ड जेनर या बेजरिंग। राइट आंसर इज लॉर्ड लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, लुईस पेस्टियर, लिस्टर या एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट कोच, लुईस पेस्टियर, लिस्टर या एडवर्ड जेनर। एंड द राइट आंसर इज एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म म्यूटुएशन वॉज कॉइन बाय। तो आपको बताना है कि जो टर्म म्यूटुएशन है वो किसने कॉइन किया था, पैस्टियर ने, डार्विन, ह्यूगो डिवरीज या लेमार्क ने। एंड द टर्म म्यूटुएशन वॉज कॉइन बाय ह्यूगो डिवरीज। क्वेश्चन नंबर 27, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो आपको बताना है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो किसने डिस्कवर किया था, एंटोनी वॉन, पैस्टियर, जॉनसन एंड हैंस या इसमें से कोई नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय एंड द राइट आंसर इज जॉनसन एंड हैंस। क्वेश्चन नंबर 28, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज, पैस्टियर, जेनर, कोच, एल, हॉक। फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज पैस्टियर, जेनर, कोच या एल हॉक। एंड द राइट आंसर इज कोच। क्वेश्चन नंबर 29, डिजीज दैट अफेक्ट्स मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म्ड एज, स्पोरेडिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक या एंडेमिक। तो आपको बताना है कि जो डिजीज बहुत से पीपल्स को बहुत डिफरेंट कंट्रीज में अफेक्ट करता है उसको हम क्या टर्म देते हैं, स्पोरेडिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक या एंडेमिक। एंड द राइट आंसर इज पैंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ कॉलेरा इज, प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंट, सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन विद किल्ड वैक्सीन या ऑल ऑफ दीज। तो आपको प्रोफाइलेक्सिस ऑफ कॉलेरा बताना है, प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन विद किल्ड वैक्सीन या ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। क्वेश्चन नंबर 31, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्नेटिक कॉइल्स, सुपरफाइन ग्लास, एल्यूमिनियम फॉइल्स या इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल यूज कर किया जाता है एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्नेटिक कॉइल्स, सुपरफाइन ग्लास, एल्यूमिनियम फॉइल्स या इलेक्ट्रॉन्स। एंड द राइट आंसर इज मैग्नेटिक कॉइल्स। क्वेश्चन नंबर 32, द मेन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज, एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको मेन फीचर बताना है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, लोकोमोशन एब्सेंस होता है उसमें, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता है या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता।
एंड द राइट आंसर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. क्वेश्चन नंबर 33, द स्टार्क्ड पार्टिकल्स ऑन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड. तो आपको ये बताना है कि जो क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो उसमें जो स्टार्क्ड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ग्लायोक्साइजोम्स, पेरोक्सीजोम्स, ऑक्सीजोम्स या स्फेरोजोम्स. एंड द राइट आंसर इज पेरोक्सीजोम्स. तो जो स्टार्क पार्टिकल्स ऑन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पेरोक्सीजोम्स. क्वेश्चन नंबर 34, एंटीसेप्टिक मेथड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय. तो आपको बताना है कि जो एंटीसेप्टिक मेथड है वो पहली बार किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, लॉर्ड लिस्टर, इवनेस्की, बीजरनिक या एडवर्ड जेनर. एंड द राइट आंसर इज लॉर्ड लिस्टर. क्वेश्चन नंबर 35, क्रू डिजीज इन ह्यूमंस इज कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रायोन्स, माइकोप्लाज्मा. क्रू डिजीज इन ह्यूमंस इज कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रायोन्स, माइकोप्लाज्मा. And the right answer is prions. Question number 36, a mutation that produces termination codon is missense mutation, neutral mutation, nonsense mutation or reverse mutation. तो दोस्तों उस म्यूटुएशन को क्या कहते हैं जहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन प्रोड्यूस होता है, उसे मिससेंस म्यूटुएशन कहते हैं, न्यूट्रल म्यूटुएशन कहते हैं, नॉनसेंस म्यूटुएशन कहते हैं या रिवर्स म्यूटुएशन कहते हैं. इसका राइट आंसर है, इट इज कॉल्ड नॉनसेंस म्यूटुएशन. क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग कंजक्शन द जेनेटिक मटेरियल विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू सेल वॉल, मीडियम, पिली और कैप्स्यूल. कंजुकेशन के समय जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर होता है या किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, सेल वॉल, मीडियम, पिलाई या कैप्स्यूल. And the right answer is pili. Question number 38, antiseptic surgery was discovered by Joseph Lister, Ernest Abbey, Pasteur or Bejerink. Antiseptic surgery was discovered by Joseph Lister, Ernest Abbey, Pasteur or Bejerink. The right answer is Joseph Lister. Question number 39, tuberculosis is. The tuberculosis क्या है? Waterborne disease है, airborne disease है, foodborne disease है या arthropod borne disease है? And the right answer is tuberculosis is a airborne disease. Phagocytic phenomena was discovered by Louis Pasteur, Alexander Fleming, Metchnikoff, Robert Koch. तो आपको बताना है phagocytic phenomena किसने discover किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है मेचनिकॉफ. तो फैगोसेटिक फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय मेचनिकॉफ. मेसोजोम्स आर आल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड्स या कॉन्ड्रॉइड्स. तो आपको बताना है मेसोजोम्स को और क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड्स या कॉन्ड्रॉइड्स.
दोस्तों इसका राइट आंसर है कॉन्ड्रॉइड्स। मेसोजोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉन्ड्रॉइड्स। 42 हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो आपको बताना हाइब्रिडोमा टेक्निक किसने सबसे पहले डिस्कवर की थी, कोहलर एंड माइलस्टीन, रॉबर्ट कोच, डी हेरेली या लैंड स्टीनर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोहलर एंड माइलस्टीन। क्वेश्चन नंबर 43, द मिनिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्लिनिकल एविडेंस ऑफ डेथ इन अ ससेप्टेबल एनिमल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड LD50, ID, MLD, ऑल ऑफ दिस। मिनिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्लिनिकल एविडेंस ऑफ डेथ इन ससेप्टेबल एनिमल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड। राइट आंसर इज MLD। क्वेश्चन नंबर 44, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या सोर्स है, मर्क्यूरी लैंप से, टंगस्टन मेटल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज टंगस्टन मेटल। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रिफिथ रिपोर्टेड द फिनोमेना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इन इन्फ्लुएंजा, बैसिलस स्पीसीज, न्यूमोकोकी या ईकोल। इन्फ्लुएंजा, बैसिलस स्पीसीज, न्यूमोकोकी या ईकोलाई। द राइट आंसर इज न्यूमोकॉकी। तो ग्रिफिथ ने पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना देखा न्यूमोकॉकी में। द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोपी 0.2 माइक्रोन, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, 0.2 सेंटीमीटर। तो आपको रिजोल्यूशन पावर बताना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। द राइट आंसर इज 0.2 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 47, द कैपेसिटी ऑफ अ गिवन स्ट्रेन ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज टू प्रोड्यूस डिजीज इज नोन एज पैथोजन, विरुलेंस, इन्फेक्शन या नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि जो कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ गिवन स्ट्रेन ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज टू प्रोड्यूस डिजीज। तो जो माइक्रोबियल स्पीसीज है उनकी जो कैपेसिटी होती है किसी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करने की, उसको हम क्या टर्म कहते हैं, पैथोजन, विरुलेंस, इन्फेक्शन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विरुलेंस। क्वेश्चन नंबर 48, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ बर्नेट, मेडवार, माइलस्टीन, कोहलर या ओवेन। एंड द राइट आंसर इज बर्नेट। क्वेश्चन नंबर 49, लेडरबर्ग एंड टॉटम इन 1946 डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिटुएसिस या प्लाज्मेट्स। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, म्यूटुएशन या प्लाज्मेट्स। राइट आंसर इज कंजंक्शन।
हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर मोर्टेलिटी स्टडी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई रॉबर्ट कोच, लुईस पेस्चियर, जेनर या ल्यूवेन हुक। तो आपको बताना है कि जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड है फॉर मोर्टेलिटी स्टडी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई रॉबर्ट कोच, लुईस पेस्चियर, जेनर या ल्यूवेन हुक। रॉबर्ट कोच, लुईस पेस्चियर, जेनर या ल्यूवेन हुक। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ल्यूवेन हुक। तो दोस्तों ये थे हमारे रैंकर सीरीज 7 के माइक्रोबायोलॉजी के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार रिवाइज होते रहते हैं। दोस्तों अब आपके मन में कोई भी डाउट्स क्वेरी हो या हमारे जो पेनड्राइव कोर्सेज अभी आने वाले हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953703693। तो इसमें आपको केवल मैसेज करना है दोस्तों, इसमें कॉल वगैरह नहीं करनी है वरना आप डिबार कर दिए जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप अपना जो भी क्वेरी डाउट्स हैं या जो भी आप पेन ड्राइव कोर्सेज वगैरह के बारे में जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं और हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा और आप ये जो वीडियो है अगर सही लगता है तो दो अपने दोस्त वगैरह हैं उनको भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपका पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट या डिफ़िकल्टी वगैरह आ रही है तो आप बिल्कुल फ्री होके हम